हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। मैं आपका दोस्त आलोक गोयल, और आज हम करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का एक टॉपिक, इंटेग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, जिसमें एक्सरसाइज 7.4 और क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 कवर करेंगे हम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, इसलिए हम इसको बड़े इत्मीनान से और टाइम दे के इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। लेट्स सी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसकी चार ऑप्शंस हैं, इट्स एन एमसीक्यू, लेकिन हम इसको एज एन एमसीक्यू नहीं सॉल्व करेंगे, प्रॉपर पूरा सॉल्व करेंगे ताकि आपको मेथड पता चल जाए कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, फिर तो पता चल ही जाएगा कि कौन सी ऑप्शन को टिक करना है। ऑलराइट, लेट्स गेट गोइंग। तो ये हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। और इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा कि हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो हम 10th क्लास में सीखते हैं, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है, प्लीज़ उसका वीडियो देखिए। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हाँ, लेकिन वो आना ज़रूर चाहिए, दैट्स मस्ट फॉर डूइंग सच क्वेश्चंस। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपको नहीं भी आता है तो भी ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x। देखिए, ये 2x जो है ये हमें बताता है कि एक फॉर्मूला बन सकता है, ये चीज़ जो है a स्क्वायर हो गया, 2a हो गया, और b नहीं है तो मैं इंटू 1 लिख लूँगा, अभी भी 2x में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं क्या करूँगा, प्लस b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जैसा कि हम करते थे, प्लस 2। तो ये सारा का सारा डिनोमिनेटर मैंने लिख दिया है, और ये देखिए, ये जो पूरी चीज़ है, ये यहाँ तक ये एक फार्मूला बन चुका है, फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि हमें पता है क्या होता है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 1 का स्क्वायर 1, और प्लस 2 जो कि बन जाएगा प्लस 1। और ये कौन सी फॉर्म आ गई, आपको पता होना चाहिए कि ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म आ गई है, और अब हमें फॉर्मूला पता है कौन सा यूज़ करना है। लेट्स राइट इट। अब मैं लिखूँगा यूजिंग, जो कि आइडेंटिटी लिखूँगा मैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन, जो कि होती है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और वही आइडेंटिटी अब मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करूँगा, 1 अपॉन ए। तो यहाँ पे ए क्या है, मैं लिख देता हूँ एक बार, वेयर एक्स क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 आ जाएगा, और ए क्या आ जाएगा, 1 आएगा। नाउ 1 अपॉन 1 टेन इनवर्स एक्स क्या है, एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सी, इसकी थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 प्लस सी। और आप जब बुक में देखेंगे तो ये कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन बी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, ये आ गया है हमारा 25th क्वेश्चन, और इसे बड़ा स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम, ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जैसा कि हम लास्ट क्वेश्चंस में भी देखते आए हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, 4x स्क्वायर प्लस 9x, ये कर सकते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, dx अपॉन माइनस कॉमन आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 9x। ये समझाने के लिए मैं आपको, हो सकता है कि दो चार स्टेप एक्स्ट्रा कर दूं, पर नॉर्मली ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं क्या करूँगा, और यहाँ अंडर रूट भी लगा देते हैं हम, dx अपॉन माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 9/4x। याद रखिएगा, ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका स्क्वायर कैसे कंप्लीट करना है, यानी इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे फॉर्म करना है राइट साइड पे। देखिए,
एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 एक्स है और मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। तो जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हमने सीखा था, इसको इक्वल टू ज़ीरो पुट कर लेते हैं, फिर क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस या फिर माइनस जो भी यहाँ पे हो, 2/2 हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं, 9/4 आ जाएगा इंटू एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। आई होप दैट्स क्लियर। अब 2 को छोड़ देना है क्योंकि ये एक फार्मूला का पार्ट होता है, 9/4 इंटू 1/2 क्योंकि सिर्फ यहाँ पे x है जो कि x यहाँ पे लगा हुआ है। अब हमारे पास जो बाकी बचा 9/8, तो मैं क्या करूँगा, x माइनस 2/2 इंटू 9/4 एक्स प्लस 9/8 का होल स्क्वायर माइनस 9/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए सारी चीज़ों को मैं इकट्ठा करूं तो ये मेरे पास इतना एक फॉर्मूला बन गया है। मैं थोड़ी सी आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म बना के बता देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो फॉर्मूला क्या बना, x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर माइनस 9/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। चलिए ये तो हमने खुद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए लिखा था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता चल गया है कि यहाँ पे ये फार्मूला कैसे अप्लाई होगा। दूसरी तरफ से सिर्फ 4 की बात कर लेते हैं, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा जो कि कॉन्स्टेंट बच जाएगा। लेट्स डू इट नाउ। तो चलिए जी करते हैं, 1/2 बाहर आ गया डी एक्स, फिर अंडर रूट लगेगा माइनस, ध्यान से देखिए कैपिटल ब्रैकेट, क्योंकि अब हमने इस सारी चीज़ का स्क्वायर को कंप्लीट किया है, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 9/8 का होल स्क्वायर माइनस 9/8 का होल स्क्वायर और ये पूरा अंडर रूट के अंदर आएगा, राइट। अब हम ब्रैकेट को खोल लेते हैं और माइनस को अंदर लेके जाएंगे, तो जो हमारे पास बन जाएगा वो आएगा dx अपॉन 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, जो कि फॉर्म कौन सी बन गई, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अब हम फार्मूला लिख लेते हैं, हमारा फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, यहाँ मैं लिख लेता हूँ यूजिंग 1/a² - x² dx इज इक्वल टू, हमें पता होना चाहिए सिंपल साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c होता है, वेयर मैं आपको बता दूँ a इज इक्वल टू 9/8 है एंड x जो है हमारे पास x माइनस 9/8 है, राइट। अब अप्लाई कर लेते हैं और चीज़ें सिंपल हो जाएंगी, 1/2 साइन इनवर्स, ध्यान से देखिएगा x अपॉन a है तो x 9/8 डिवाइडेड बाय 9/8 है प्लस c। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना रहे हमें, 1/2 साइन इनवर्स, इसका एलसीएम ले लेंगे इस पूरी चीज़ का, ये आ जाएगा 8x - 9/8 डिवाइडेड बाय 9/8 है तो इंटू 8/9 हो जाएगा प्लस सी, ये और ये कट जाएंगे 8, तो साइन इनवर्स 8x - 9/9 प्लस सी, दैट शुड बी आर आंसर। और इसकी ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन बी। आई होप यू मस्ट हैव इन्जॉयड। अगर आपको ये सॉल्यूशंस अच्छे लगे हैं प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको और भी अच्छे अच्छे सॉल्यूशन देते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।